नमस्कार, जसिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक एक ऐसा मंच जहां पर आपसे सीधी बात हम करते हैं, मसले लेकर आते हैं जो देश से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, और इन मसलों के ऊपर सीधी आपसे बात करने के लिए एक मंच है स्ट्रेट टॉक। इस मंच के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। आज स्ट्रेट टॉक हम करने वाले हैं, सीधी बात हम करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, आर्टिकल 35A को लेकर। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि संविधान में एक तरह से अदृश्य है और इसके पास लेकिन शक्तियां कई हैं, क्योंकि संविधान जो हमारा बना उसका मूल रूप से हिस्सा ये 35A आर्टिकल नहीं है, लेकिन 35A कई तरह की शक्तियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में 35A के जरिए जो है मिली हुई हैं। कई विशेषाधिकार हैं जो जम्मू कश्मीर में 35A के जरिए मिले हुए हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी कश्मीर का अलग झंडा है, कश्मीर में अलग कानून चलता है, तो क्यों जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, भारत सरकार के जो है वहाँ पर भारतीय सेना वहाँ पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में हर पल तैनात रहती है, भारत के वीर जवान वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो क्यों ना खत्म हो आर्टिकल 35A। इसी पर आज हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं, खत्म हो आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35 से खत्म हो ये मांग हो रही है और पुलवामा अटैक के बाद से ये मांग और ज्यादा तेज हो चली है कि 35A को खत्म किया जाए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं देश के, तो क्यों अभी भी एक अलग कानून जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। अब बहुत सारे सवाल हैं इस मसले को लेकर जो आज हम पूछने वाले हैं, जिन सवालों पर एक बार नजर भी डाल लेते हैं जो स्ट्रेट टॉक के इस मंच के जरिए आज हम पूछ रहे हैं। क्यों खत्म ना हो आर्टिकल 35A, आखिर क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इसको खत्म ना किया जाए। 35A खत्म होने से महबूबा को दिक्कत क्यों है, आखिर ये बड़ा सवाल, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक तरह से धमकी दी गई है, क्यों कश्मीर में लोगों को भड़का रही है महबूबा मुफ्ती, आखिर क्या मंशा रखती है महबूबा मुफ्ती, क्या अध्यादेश के जरिए 35A को खत्म कर सकती है सरकार, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री सेशन तो नहीं होना है, चुनाव है, क्या उससे पहले अध्यादेश आ सकता है। 35A पर क्या है आपकी राय, आप जरूर बताइए, कॉल कीजिए और कॉल के जरिए मेरे साथ उस मंच का हिस्सा जरूर बनिए, अपने विचार अपने व्यूज मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। देखिए, 35A के ऊपर बहस क्यों है, क्या कुछ विशेष अधिकार 35A देता है, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। देखिए, 35A दरअसल धारा 370 का एक हिस्सा है, और लेकिन 35A के जरिए कई सारे प्रिविलेजेस हैं जो जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। 35A ये सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार का बहुत ही सीमित हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में हो। 35A जो कि ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आकर कोई जमीन ना खरीदे, जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना बन सके, ये भी 35A ही सुनिश्चित करता है। इसके अलावा 35A जो कि ये सुनिश्चित करता है कि जम्मू कश्मीर की लड़की से अगर कोई शादी करता है, कश्मीर की लड़की से अगर कोई शादी करता है, तो भी बाहर के व्यक्ति का जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि जो कश्मीर की लड़की है जिससे शादी की गई है वो भी अपने अधिकार कश्मीर से खो देगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये लड़कियों के लिए ज़रूर है जम्मू कश्मीर के, लेकिन अगर कश्मीर के पुरुष अगर बाहर की किसी लड़की से शादी करते हैं, यानी कि कश्मीर से अलग किसी दूसरे राज्य की लड़की से शादी करते हैं, तो तब ये जो अधिकार खोने वाली बात है तब उनके ऊपर ये लागू नहीं होती है। 35A को मौलिक अधिकारों के हनन से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। देखिए, आपको याद होगा, ये हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान जो है उसका विभाजन हुआ था हिंदुस्तान से और एक अलग जो है देश बन गया था।
पाकिस्तान, उसके बाद कई सारे ऐसे जो है उस हिस्से में मौजूद हमारे जो है देशवासी थे जो जो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, जो भारत में रहना चाहते थे, और वो सब जो है भारत में आ गए थे। तो उस वक्त जितने परिवार जो पाकिस्तान के हिस्से से भारत के हिस्से में आए, वो देश के और दूसरे जिन भी राज्यों में जाकर रहे, वहाँ पर उनको नागरिकता मिली और आज वो देश का हिस्सा हैं, और जिस भी राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ पर विधानसभा में भी उनका उतना ही हक है जितना वहाँ पर किसी दूसरे नागरिक का है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस वक्त 5,700 के करीब जो है फैमिलीज आकर जम्मू कश्मीर में बसी थी, और वहाँ पर देखिए आज तक भी यानी कि पाँच पाँच छः छः पीढ़ियाँ जो है वहाँ पर गुजर गई हैं। लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में पार्टीशन के वक्त जो परिवार आकर रुके, उन्हें आज भी कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाता है। आज भी वो देश के नागरिक तो हैं, भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन कश्मीर का नागरिक उन्हें आज तक भी नहीं माना गया है। वो ना तो कश्मीर में किसी सरकारी नौकरी में जो है हिस्सा ले सकते हैं, कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो उस विधानसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर का हिस्सा उन्हें नहीं माना गया है। हालांकि वो जब देश के लिए लोकसभा चुनाव होते हैं उस वक्त वो जरूर जो है वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि देश का हिस्सा उन्हें माना गया है, देश ने उन्हें नागरिकता दी है। लेकिन कश्मीर क्योंकि अपना अलग कानून चलाता है तो वहाँ पर उन्हें अभी भी नागरिकता नहीं मिली है, पांच पांच छह छह पीढ़ी उसी जगह पर गुजरने के बाद भी ये हालात हैं कश्मीर में। तो क्यों ना खत्म हो आर्टिकल 35, ये सवाल है कि क्यों, जब मौलिक अधिकारों का हनन है ना, वहां पर उन्हें जो परिवार उस वक्त पार्टीशन के वक्त जो कश्मीर में आकर बसे, किसी तरह का कोई अधिकार उन्हें कश्मीर में नहीं है, नहीं दिया गया है अब तक भी, तो क्यों ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन वहां पर हो रहा है, क्यों ना खत्म हो 35A। आप सभी दर्शकों की राय क्या है आप जरूर बताइए, कॉल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनिए कि आप जरूर अपने विचार साझा कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आर्टिकल 35A को लेकर आपके विचार क्या हैं। कश्मीर में अलग झंडा है, कश्मीर में अलग कानून है, कश्मीर में अलग राज चलता है, क्यों आखिर ये अब तक भी इस तरह के हालात हैं, क्यों ना इस सब को खत्म किया जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार को अब कोई कदम और उठाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो है 35A को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते इस पर सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ मांग देखिए अब सरकार से भी हो रही है, मांग सरकार से ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में तो इसकी सुनवाई होगी ही, लेकिन सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा, लेकिन उससे पहले क्यों सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए इसको खत्म नहीं कर देती है। देखिए एक चीज और है, ये दबाव बीजेपी पर क्यों है। जब 2014 के चुनाव हुए थे, यानी इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, चुनावी मैनिफेस्टो में बाकायदा ये वायदा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, 370 को खत्म कर देंगे। और अब जब सरकार का कार्यकाल अंत की ओर है, अंत ही लगभग हो गया है, नए अब जो है चुनाव होने हैं फिर से लोकसभा के, जिसमें बहुत ही कम वक्त रहा है, तो अब क्यों सरकार अब तक भी ये कदम नहीं उठा पाई है। ये दबाव है इस वक्त सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। इस पर और भी बात करेंगे, आपसे स्ट्रेट टॉक करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आर्टिकल 35A को लेकर। 35A को खत्म करने की मांग अब देश भर में हो रही है कि 35A को खत्म किया जाए, जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो क्यों
कश्मीर के पास कुछ अलग प्रिविलेजेस कश्मीर को आज भी मिल रहे हैं, क्यों कश्मीर को विशेष अधिकार आज भी दिए जा रहे हैं, जो कि वहां पर अगर कश्मीर से अलग दूसरे राज्य के लोग हैं वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आप देखिए देश के अंदर, भारत के अंदर जितने राज्य हैं 29 स्टेट्स इस वक्त देश के अंदर हैं, जिनमें से अगर जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में एक समान कानून जो है वो लागू होता है। किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य में जाकर रह सकता है, वहां जमीन भी खरीद सकता है, वहां का नागरिक वो कहलाएगा। ये नहीं है कि आपको वहां पर शरणार्थी कह दिया जाएगा, आपको वहां किसी तरह के मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो वहां पर उस राज्य के विधानसभा का भी हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहे तो वहां की विधानसभा में वोट कर सकते हैं, वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ भी सकते हैं, वहां का ग्राम प्रधान भी बन सकते हैं अगर कई पीढ़ियां आपकी वहां रही भी हैं तो। लेकिन ये सब जो है, जो कि देश के किसी भी दूसरे राज्यों में जो है लागू है, ये जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं है? अब मांग हो रही है कि कश्मीर को भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह कश्मीर में भी लोगों को अधिकार मिले, हर एक राज्य के जैसा माहौल कश्मीर में भी बने, ये मांग अब हर ओर से हो रही है। देखिए क्यों मांगे हो रही है, कश्मीर में जैसे मैंने आपको बताया 35A एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष अधिकार देता है। अधिकार ये देता है कि भारत सरकार कुछ के जो हस्तक्षेप होंगे कश्मीर के अंदर वो सीमित होंगे, लिमिटेड इंटरफेरेंस जो है इंडियन गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखिए पार्टीशन के वक्त, जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले भी बताया कि करीब 5,700 के करीब फैमिलीज थी जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर में आई थी, जम्मू कश्मीर के शरणार्थी बने थे, और भी दूसरे हिस्सों में जो गए थे, देश के दूसरे हिस्सों में जो जाकर बसे थे, वो सब आज उस जगह के नागरिक हैं, वहां के विधानसभा में वोट करते हैं, वहां रहते हैं और वहीं के नागरिक जो है वो कहलाते हैं। लेकिन कश्मीर में 1947 में जो परिवार वहां गए वो आज तक भी वहां के नागरिक नहीं कहलाते हैं, वहां पर शरणार्थी ही उन्हें कहते हैं, शरणार्थी ही वो कहलाते हैं। वो लोग देश की लोकसभा में वोट कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उस वक्त करीब 200 के करीब जो है ऐसे लोग थे जिनका जो ऐसे परिवार थे जो वहां पर कश्मीर में आकर रहे, शरणार्थी जम्मू कश्मीर के बने, और उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो सफाई कर्मचारी के तौर पर हुई थी। कुछ जो है 80% के करीब जो माइग्रेंट्स आए थे उनमें 80% के करीब दलित थे, जिनमें से 200 के करीब परिवार थे जो कि कश्मीर के अंदर जो है जिनकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के तौर पर हुई थी उन परिवारों की। आज करीब 60 साल वहां पर रहते हुए इन परिवारों को हो गया है, उससे 60 साल से ज्यादा का वक्त ही हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए आज तक भी जो वो परिवार हैं उनके बच्चे जो हैं वो आज भी कश्मीर के सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप देखिए किस तरह से वहां मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर आज भी सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वो पढ़ लिख कर अगर किसी तरह से बाहर से पढ़कर आ गए हैं या वहां किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ भी लिए तो वो देश के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जहां वो 60 सालों से ज्यादा वक्त से जिस जगह पर रह रहे हैं वहां का एक ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकते हैं। हालात ये हैं, तो क्यों ना खत्म हो 35A जो कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। आप देखिए कश्मीर का पुरुष अगर बाहर किसी दूसरे राज्य की महिला से शादी कर लेता है तो उस पुरुष के अधिकार फिर भी बरकरार है कश्मीर में, लेकिन अगर कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के पुरुष के साथ शादी कर लेती है तो उस महिला के सारे अधिकार कश्मीर में खत्म हो जाते हैं। तो ये तो पुरुष और महिलाओं के बीच भी समानता यहां पर नहीं है, तो क्यों ना खत्म हो 35A।
बहुत सारे सवाल हैं इस मसले पर। हालांकि अब जहां देश में आवाज उठ रही है, मांग हो रही है कि 35A को खत्म किया जाए, इस आर्टिकल को खत्म किया जाए, तो इसी बीच देखिए आज किस तरह से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी प्रमुख भी हैं, पीडीपी अध्यक्ष भी हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से महबूबा मुफ्ती ने कैसे जो है कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम किया है, कैसे एक जो है जहर फैलाने वाला बयान उन्होंने दिया है। सुनिए आप महबूबा मुफ्ती के बयान को, क्या वो कह रही हैं, कैसे वो धमका रही हैं, डरा रही हैं कि अगर 35A खत्म हुआ तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलिफाई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उस वक्त जिस वक्त आप 35A के साथ कोई फिडलिंग करेंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो उसके नतीज होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात बहुत बुरी लगी, मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही हम्बल सबमिशन इज टू द यू नो पावर्स इन अ कंट्री, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आ रहा है इस पे, और मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ मत खेलिए, आग के साथ मत खेलिए, 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया, इसके नतायज इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देख। तो डोंट फिडल विद आर्टिकल 35A, ये कह रही है महबूबा मुफ्ती कि अगर ऐसा हुआ, अगर आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की 35A के साथ, तो उसका असर ऐसा होगा, उसका नतीजा ऐसा होगा जो 1947 के बाद से आज तक आपने नहीं देखा होगा। एक और बात महबूबा मुफ्ती ने कही, महबूबा मुफ्ती देखिए उसी राज्य में रह रही हैं, कश्मीर के अंदर उसी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर हमारे जवान, न जाने कितने जवान हर रोज शहीद हो जाते हैं, कश्मीर की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हर पल वहां पर सीमा पर तैनात हैं, सीने पर गोली खाते हैं दुश्मन की, ताकि ये सब वहां पर सुरक्षित रहें। और ऐसे में महबूबा मुफ्ती देखिए बात ये कह रही हैं कि जो इस मुल्क का झंडा यहाँ उठाते हैं, यानी कि देश का, भारत का तिरंगा जो वहाँ पर उठाते हैं, उनके लिए अगर 35A से छेड़छाड़ हुई तो उनके लिए ये झंडा उठाना तो दूर की बात है, इस झंडे को कांधा देने तक के लिए वो जो है वहाँ पर नहीं मौजूद रहेंगे। ये कश्मीर में सीधे सीधे जो है कश्मीर का माहौल खराब करने वाला और कश्मीर के लोगों को भड़काने वाला बयान है जो महबूबा मुफ्ती की ओर से दिया गया है। कश्मीर के लोगों को सीधे सीधे भड़काने का काम जो है महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, कश्मीर के लोगों को भड़का रही हैं कि आप देखिए अगर 35A के साथ में छेड़छाड़ हुई तो आप लोगों को क्या करना है। कश्मीर में माहौल खराब करने की बात महबूबा मुफ्ती कर रही हैं कि अगर 35A को खत्म किया, जो कि अलग से अधिकार देता है कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, अगर 35A को खत्म किया तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। ये महबूबा मुफ्ती के बयान हैं। आप सभी दर्शकों की राय इस मसले पर क्या है, आप जरूर कॉल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप मेरे साथ इस मंच का हिस्सा जरूर बने। स्ट्रेट टॉक जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आर्टिकल 35A को लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता है, स्पेशल प्रिविलेज देता है कश्मीर को। आज हम इसी आर्टिकल के ऊपर स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं, सीधी बात आपसे कर रहे हैं। आप मेरे साथ इस मसले पर जुड़िए, अपने विचार जरूर साझा कीजिए, कॉल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। अपने विचार, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और बताएं कि आप इस आर्टिकल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि इसे अब खत्म हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कश्मीर से, कश्मीर क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर कश्मीर को क्यों स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं, क्यों विशेष अधिकार मिल रहे हैं।
कश्मीर के लोगों के लिए या दूसरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। कश्मीर के लोगों के लिए भी, आप देखिए जो सालों सालों से कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनके साथ जो शरणार्थी जिन्हें नाम दे दिया गया है उनके साथ अच्छा बर्ताव कश्मीर में नहीं हो रहा है, क्योंकि 35A का सहारा कश्मीर में मिल रहा है। तो क्यों ना इस आर्टिकल को अब खत्म कर दिया जाए। एक सुर में मांग हो रही है, पुलवामा अटैक के बाद से ये मांग और ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे में क्या धारा 370 या आर्टिकल 35A इन्हें अब खत्म हो जाना चाहिए? आप सभी दर्शकों की राय क्या है, आपके विचार क्या है, आप ज़रूर कॉल कीजिए। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। ब्रेक से पहले मैंने आपको सुनवाया महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। अब जहां देश में मांग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करने वाला है। 35A वैध है नहीं है, इसकी संवैधानिक वैधता क्या है, इस सभी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ऐसे में इस सब सुगबुगाहट के बीच जब कश्मीर से इस आर्टिकल को ख़त्म करने की बातें चल रही हैं, ये अब शोर है जो सुनाई देने लगा है देश में, इस सब के बीच महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से जहर फैलाने का काम किया है, ये मैंने आपको ब्रेक से पहले सुनवाया। लेकिन अब आपको सुनवाती हूँ उमर अब्दुल्ला की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आर्टिकल 35A को लेकर, एक बार सुनिए आप। एक जिम्मेदार बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है दिल्ली को मैं बताऊं, ना आपकी सोच सही नहीं है, आप हम पे छोड़िए, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो चाहे वो गवर्नर साहब हो, आपकी आज एक ही जिम्मेदारी है, आप हालात बनाइए, इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराने के बाद जो यहां के लोगों का फैसला होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उन पे छोड़िए कि 35A का क्या करना है। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि इस रियासत के हालात किस तरह साजगार और बेहतर रखने हैं, 2014 में हमने किस तरह हालात बेहतर करके मोदी साहब और मुफ्ती साहब के हवाले ये रियासत किया था, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों में मत पड़िए, इलेक्शन कराइए, लोगों को वोट का इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद जो हुकूमत होगी वो 35A को बचाने का काम जो है वो खुद ब खुद करेंगे। तो 35A को बचाने की बात कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इलेक्शन करवाइए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार थी जब बीजेपी और साथी पीडीपी की, तो उस वक्त जो है उसके बाद में हालांकि कुछ बहुत सारे रीजंस बताते हुए बीजेपी ने अपना समर्थन पीडीपी सरकार से वापस ले लिया था। बीजेपी ने कहा था कि हम कश्मीर के अंदर बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन गठबंधन के चलते जो है मजबूरियां हैं, पीडीपी जो है वो उन्हें वो काम नहीं करने दे रही है, कहीं नहीं करने देना चाहती है, इसलिए जो है ये समर्थन वापस लेने का काम बीजेपी ने किया था कश्मीर से, और उसके बाद में से ही राज्यपाल शासन लागू है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब उमर अब्दुल्ला को आपने सुना जिन्होंने कहा कि 35A को बचाने का काम तो होगा, और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाइए विधानसभा की कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जो सरकार बनेगी वो खुद ब खुद 35A को बचाने का काम कर लेगी, यहाँ के लोगों पर आप छोड़ दीजिए। आप देखिए महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये वही लोग हैं जो जब भारत सरकार, जो अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के अंदर, जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कि देश में रहते हैं भारत में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद काम करते हैं वो पाकिस्तान के लिए, हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश के खिलाफ वो बोलते हैं, हमारे देश के अगेंस्ट वो बोलते हैं, देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनके ऊपर भारत सरकार अब तक देखिए करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर रही थी उनकी सुरक्षा के लिए। कई सेपरेटिस्ट लीडर, कई अलगाववादी नेता, हुर्रियत नेता, इनके ऊपर भारत सरकार करोड़ों रुपए इनकी सुरक्षा के लिए खर्च कर रही थी। अब पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार ने क्या काम किया है
केंद्र सरकार ने क्या काम किया है कि ये जो अलगाववादी नेता हैं, जो हुर्रियत नेता हैं, इनकी सुरक्षा वापस लेने का काम कर दिया है भारत सरकार ने कि आपको हम सुरक्षा क्यों दें, ताकि आप हमारे ही देश के खिलाफ काम कर सकें, हमारे ही देश के खिलाफ साजिश कर सकें, हमारे ही देश के खिलाफ जहर उगल सकें। तो भारत सरकार ने हुर्रियत नेता, अलगाववादी नेता, ये मांग भी बहुत समय से हो रही थी केंद्र सरकार के, आखिरकार ये फैसला लिया पुलवामा अटैक के बाद कि इन सभी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली केंद्र सरकार ने, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये वही लोग हैं, वही नेता हैं जो इसके विरोध में आवाज उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट दिया गया था, जब अलगाववादी नेता और हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा वापस लेने का काम केंद्र सरकार ने किया, उसके बाद सरकार के इस फैसले को सही नहीं ठहराया था, इस फैसले के को जो है नाजायज करा दिया था, इस फैसले को सही नहीं ठहराया गया था उमर अब्दुल्ला की ओर से और महबूबा मुफ्ती की ओर से। इस पर कई तरह तरह के सवाल उठाए थे। तो ऐसे में अब जब 35 ए को खत्म करने की मांग हो रही है, तब भी आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती जहर फैलाने का काम कर रही हैं, महबूबा मुफ्ती जहर उगलने का काम कर रही हैं। क्यों खत्म ना हो 35 ए, ताकि वहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता रहे। क्यों खत्म ना हो 35 ए, ताकि जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग जो हैं, जो बरसों बरसों से रह रहे हैं, वो कश्मीर का अभिन्न अंग ना बन सके। क्यों खत्म ना हो 35 से, ताकि ये जो नेता हैं जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये इसी तरह से उगलते रहें, इसी तरह से देश के खिलाफ साजिश करते रहें, इसी तरह से हमारे जवान शहीद होते रहें। आप सभी दर्शकों की राय इस पर क्या है, आप सभी के विचार इस पर क्या है, आप जरूर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनिए। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बनिए। आप देखिए 35 से जो है वो 1954 में जो है इसे जोड़ा गया था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। उस वक्त राष्ट्रपति जो है, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद जो है 35 ए को जो है एक जो है लागू किया गया था। इससे पहले आप देखिए जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन को जो है फाइनली सहमति मिल गई थी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उस वक्त जितनी प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि राजाओं महाराजाओं के जो है प्रभुत्व वाले, राजाओं महाराजाओं की जो रियासतें थीं, उन सभी के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया था ब्रिटिशर्स की ओर से कि वो जिस हिस्से में चाहें, जिस देश में चाहें, उसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी चाहे भारत का हिस्सा उन्हें बनना हो या पाकिस्तान का हिस्सा उन्हें बनना हो, ये उन राजाओं महाराजाओं की, उनका अपना फैसला होगा, या उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, उन्हें स्वतंत्र रहना है, ये उनका अपना हिस्सा होगा। तो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन सभी के ऊपर जो है ये फैसला छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है कई सारे राज्य, जो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो भारत का हिस्सा बने, लेकिन कश्मीर को लेकर उस वक्त स्थिति अलग थी। क्या कुछ कश्मीर के राजा ने तय किया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ, आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आर्टिकल 35 से को लेकर। इसे अब देश से खत्म किए जाने की मांग, कश्मीर से खत्म किए जाने की मांग अब उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, इसकी संवैधानिक वैधता के ऊपर सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से इसे लागू किया गया था उसके ऊपर जो है अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि जो आर्टिकल 35 ए को संविधान में जिस तरह से संविधान का हिस्सा बनाया गया, क्या वो सही था या गलत तरीके से इसको संविधान का हिस्सा बनाया गया। देखिए 1954 में इसे जो है 35 ए को संविधान में शामिल किया गया था, और इसे इस पर सिर्फ जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे, और उसके बाद में इसे संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन असल में क्योंकि संविधान जो है वो 1950 में लागू हो चुका था, संविधान बन चुका था उस वक्त, यानी संविधान के मूल रूप का हिस्सा आर्टिकल 35 से नहीं था, इसे 1954 में जोड़ा गया था।
1954 में जोड़ा गया था और जब राष्ट्रपति के सिर्फ हस्ताक्षर करके इसको संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन असल में जो संविधान में संशोधन होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये है कि इसे जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ में संसद से पारित कराया जाता है। संसद से पारित होने के बाद फिर ये जो है राज्य विधानसभाओं के पास जाता है। जब आधे से ज़्यादा राज्य की विधानसभाएं इसे पारित कर देती हैं, इसे पास कर देती हैं, उसके बाद ये संविधान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होके फिर ये संविधान में संशोधन हो जाता है, संविधान में जो है अमेंडमेंट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीका ये है। लेकिन 35 ए को संविधान का हिस्सा बनाते हुए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए थे। 35 ए को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद इसे संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। और तो अब इसी पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो याचिकाएं दी गई हैं वो इसीलिए दी गई हैं कि 35 ए की वैधता आखिर क्या है, क्या ये वाकई में जो है संविधान संशोधन सही तरीके से हुआ था, नहीं हुआ था, गलत तरीके से अगर इसे लागू किया गया था तो ये अब खत्म होना चाहिए, ये मांग है। आप सभी दर्शकों के राय क्या है, इस पर विचार क्या है, आप जरूर कॉल कीजिए, अपने व्यूज अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बने और अपने विचार जरूर साझा करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बन के बताना है आपको क्या लगता है 35 ए को खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके जो भी विचार जो भी राय है आप जरूर शेयर करें। देखिए अब ब्रेक से पहले मैं जैसे बताई थी आपको कि जब ये फाइनल हो गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये दो अलग अलग देश जो है बनने वाले हैं, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान एक अलग देश बनने जा रहा था, तो 3 जून 1947 को ये फाइनल हो चुका था। जिसके बाद में जो इतने प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर ये उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ा गया था कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो खुद जो है ये चुन सकते हैं और साथ ही साथ अगर उन्हें इंडिपेंडेंट भी रहना है तो ये भी उनका अपना जो है डिसीजन होगा, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उस वक्त लगभग सभी जो है प्रिंसली स्टेट्स का फैसला हो चुका था, कुछ भारत का हिस्सा बने, कुछ पाकिस्तान के हिस्से बने। लेकिन कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर, उस के राजा हरि सिंह ने ये तय किया कि वो ना तो भारत का हिस्सा बनेंगे ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और इस फैसले के साथ ही 12 अगस्त 1947 को एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से कि जम्मू कश्मीर जो है वो किसी के साथ भी नहीं जा रहा है, किसी भी देश का हिस्सा नहीं बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद, इस स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, आक्रमण किया, जिसके बाद में कश्मीर के राजा हरि सिंह वो जवाहरलाल नेहरू के पास आए थे, जो कि देश के प्रधानमंत्री उस वक्त थे, उनके पास आए थे समर्थन मांगने के लिए कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है लेकिन पाकिस्तान से हमें ज़रूर बचा लें, पाकिस्तान से जो है हमें सेव करने में मदद करें, अपनी आर्मी हमें भेजें सपोर्ट करने के लिए और कश्मीर को जो है भारत का हिस्सा बना लें। जिसके बाद से ही, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने खुद जो है भारत का हिस्सा बनने के लिए वो एग्री हुए थे, जिसके बाद से ही भारत का हिस्सा कश्मीर है। और उसके बाद भारत ने मदद की कश्मीर की, क्योंकि भारत का हिस्सा कश्मीर बन गया था तो भारत ने कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने में मदद की। और साथ ही उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ कश्मीर के राजा हरि सिंह की ओर से। तब से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जब भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है तो अब मांग ये है कि क्यों फिर चुपके से 35 ए को संविधान का हिस्सा बना दिया गया। जब कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर क्यों
कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो कश्मीर को अभी तक दिए जा रहे हैं। जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो फिर क्यों कश्मीर में जाकर भी, जैसे बाकी राज्यों में किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य में जा सकता है, देश के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप कानून चलता है, तो कश्मीर के अंदर क्यों ये लागू नहीं है? क्यों कश्मीर में पुरुष और महिलाओं के हितों में, उनके हकों में भेदभाव है? क्यों कश्मीर के लिए इस तरह से अलग झंडा भी कश्मीर के लिए दिया गया है? क्यों कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? इस सब को अब खत्म करना होगा। और ये दबाव, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसलिए है क्योंकि जब 2014 के आम चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त भी बीजेपी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वादा किया गया था कि हम अगर हमारी अगर सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम कश्मीर से 370 धारा को खत्म करने का काम करेंगे। 370 धारा जो कि कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग बनाती है, 370 धारा जिसके तहत कश्मीर का अपना झंडा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैलिड है, और 35 से उसी 370 धारा का एक हिस्सा है जिसके जरिए, यानी 35 के जरिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो कश्मीर को मिले हुए हैं। तो अब 370 को ख़त्म करने की मांग हो रही है क्योंकि ये बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में भी था, इसलिए दबाव भी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि सरकार इस पर क्या ऑर्डिनेंस लाती है, क्या कुछ स्टैंड सरकार कराएगा, ये सरकार की ओर से अभी तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन इंतजार है कि केंद्र सरकार इस पर जरूर जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहता है ये भी देखना होगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जस्ट हिंदी। नमस्कार।